चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूजी में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहां पर आपको टाइप करना है ई प्रवेश। जैसे ई प्रवेश आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ई प्रवेश mponline.gov.in ओपन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा का पूरा होम पेज ओपन हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें आपको बताया गया कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 किस प्रकार से चलेगी। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था किस तरह से आपको प्रवेश लेना है, सारी चीजें यहाँ पर शो की जा रही हैं। तो हम सिंपली सबसे पहले ऑप्शन पर चलेंगे कि हमें अंडर ग्रेजुएट यानी BA BSc BCom वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ BLLB दिखाया जा रहा है आफ्टर 12th के बाद। अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पीजी कोर्स में लेना चाहते हैं यानी MA MSc MCom MLLB BLLB इसमें जाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए BLLM में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हम सिंपली आज बात करने वाले हैं BA BSc BCom वाले में। तो हम क्या करेंगे, अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है और यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो यहाँ देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अगस्त से 12 अगस्त तक टाइम दिया गया है। अगर आप अपना एप्लीकेशन किसी कारणवश नहीं फिल कर पाते हैं तो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके वापस से फिल करना होगा और पेमेंट करनी होगी। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन की अगर आप स्लिप नहीं ले पाते तो दोबारा से स्लिप ले पाएंगे, चॉइस फिलिंग की भी रिसिप्ट ले पाएंगे। यहाँ पर हेल्प सेंटर के माध्यम से आपके फॉर्म में कोई सुधार वगैरह किया जाएगा, यहाँ से आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर पाएंगे सिर्फ हेल्प सेंटर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मैं पहले अपने न्यू रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आप लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल भोपाल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर और अन्य बोर्ड से पास है तो यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे। तो यहाँ पर केवल 3 ही बोर्ड शामिल किए गए हैं, एक तो सेंट्रल बोर्ड है, एक भोपाल का ओपन बोर्ड है और एक रेगुलर बोर्ड है। तो अगर आप तीनों बोर्ड से पास हैं तो यस करेंगे, या फिर आप अदर से हैं या फिर किसी और अन्य राज्य से हैं तो आप नो पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो यस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको भी यस पर क्लिक करना है, आप किस बोर्ड से पास है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर रेगुलर बोर्ड से पास हूँ यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। फिर आप अपना ईयर चूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ईयर अपना चूज कर लिया है, आप भी अपना ईयर ही चूज करेंगे। फिर आप अपना यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग रोल नंबर फिल करने में कोई गलती नहीं करेंगे, अगर आप रोल नंबर फिल करने में गलती करेंगे तो आपका यहाँ पर डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपना माता जी का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में नोट करना है। ओके, पूरा नाम नोट करेंगे, एक भी मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर पूरी क्या क्या है। आपके विषय समूह कॉमर्स था, आपने कॉमर्स लिया था, आपका नाम अंबुज नाम दे ये कन्फर्म करेंगे, माता जी का नाम कन्फर्म करेंगे, देन पिताजी का नाम कन्फर्म करेंगे। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर फिल करना है, फिर इसके बाद ये देख सकते हैं दोबारा से जेंडर कंफर्म करोगे। फिर आपको अपना धर्म कंफर्म करना है, यानी आप यहाँ हिंदू हो कि मुस्लिम हो या सिख ईसाई, जो भी यहाँ पर फिल करोगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो बहुत अच्छी बात है, अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, ब्लड ग्रुप मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं। ठीक है, ये चीज आपको मेन फिक्स करना होगा। अगर आपके पास समग्र आईडी है तो समग्र आईडी मेंशन करेंगे, या फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना। इस ऑप्शन पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक की कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। पर सारा चीज भर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर ली है, जेंडर फिल कर लिया है, धर्म फिल कर लिया है, ब्लड ग्रुप फिल कर लिया और सिंगल यहाँ पर वैवाहिक स्थिति है, ईमेल आईडी हमारे पास नहीं थी तो हमने फिल नहीं करी। लेकिन आपको याद से
अपनी ईमेल आईडी जरूर फिल करनी है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पता यानी आपको राष्ट्रीयता बोला जाएगा, तो आप ये इंडियन सेलेक्ट करेंगे या फिर अदर है भूटान के हैं तो आप भूटान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको एड्रेस पे आ जाना है, तो एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। मान लीजिए आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, कॉलोनी फिल कर लेना है आपको। इसके बाद आपको राज्य तो पता ही है एमपी है। इसके बाद आप अपना सिटी चूज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सिटी चूज कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं डिस्ट्रिक्ट को आज चूज करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको चूज कर लेना है यहाँ पर, और अपना पिन कोड जरूर एंटर कर देना है। पिन कोड आपको अगर कोई भी मिस्टेक करेंगे तो फिर पिन कोड में मिस्टेक हो जाएगा, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आप कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस जगह पर आप अल्टरनेट दे के नंबर के इसको सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो मैं हूँ तो यस कर लेता हूँ, आप लोग को भी यस कर लेना है। अगर आपके पास मध्य प्रदेश मूल निवासी का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो आप बनवा भी सकते हैं। अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं तो माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी का ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर। अगर आप एसटी एससी ओबीसी में आते हैं तो आप माइनॉरिटी ऑप्शन को फिल करेंगे, जनरल वाले लोग नॉन माइनॉरिटी को फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर माइनॉरिटी वाले ऑप्शन को फिल नहीं करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रेणी की बात की जा रही है तो यहाँ पर श्रेणी में आपको बता देता हूँ कि ये ओबीसी है। ठीक है, आगे चलोगे आप लोग तो ओबीसी फिल करना होगा, लेकिन अगर आपको ओबीसी के सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप आगे के लिए अप्लाई यहाँ पर, अगर आपके पास नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, नंबर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि छात्रों के पास नंबर नहीं होता है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है, आप अपने यहाँ पर कैटेगरी फिल कर सकते हैं और ये ऑप्शन को अभी आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये आपको बाद में फिल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास नंबर है तो इसको जरूर फिल करें, ओबीसी का सर्टिफिकेट। यहाँ पर इन्होंने हमें, ये हमारे जो मित्र हैं अंबुज जी ने भी हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन का नहीं दिया, इन्होंने बताया कि मैं ओबीसी का हूँ लेकिन हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, इसलिए मुझे अप्लाई करना पड़ रहा है। वार्षिक आय की बात करें तो वार्षिक आय इन्होंने बताई है मुझे, वो मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप आगे चलोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग है तो दिव्यांग नहीं है तो आपको नहीं कर लेना है, संवर्ग में भी नहीं है तो नन करेंगे। ठीक है, यानी आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह नहीं है आपके घर से तो आप ये नन कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई चयनित अखबार भी नहीं होगा, ये भी 100% तो नो ऑप्शन क्लिक करो, इस पर भी नो क्लिक करो, देन आपको सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ठीक है, अगर कहीं पर भी दिक्कत आती तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते सेव और नेक्स्ट करके। ठीक है, कम से कम 8 लाख के यहाँ पर प्रविष्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप मेंशन कर दीजिए। अगर आप यहाँ अपनी कैटेगरी नहीं फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, तो हम लोग मेंशन कर देते हैं, देन सेव और नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर और मेंशन किया देते हैं भाई एक। ठीक है, चलिए सेव और नेक्स्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि परीक्षा परिणाम, ये देख सकते रोल नंबर हमारा आ चुका है, कॉमर्स ग्रुप है, पूरी जानकारी दी जा रही, 315 नंबर टोटल मिले हैं और परसेंटेज भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, सेम टू सेम आपको वही परसेंटेज दर्ज करना है जो यहाँ पर दर्ज है। ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ पर कोई मेंशन नहीं करनी, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो आगे वाले प्रोसेस में आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फोटो और सिग्नेचर आपको फिल करनी है, वो भी 150 KB की आपको यहाँ पर फोटो मेंशन कर देनी है। ठीक है, फोटो आपको क्लियर होना चाहिए। फोटो में देख सकते हैं कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फोटो की गुणवत्ता कितनी हो जानी 92 DPI की से अधिक का होना चाहिए, यानी 92 DPI से कम होगा तो फोटो मान्य नहीं किया जाएगा, और पोलेराइड इमेज भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद ही आगे की प्रोसेस हो पाएगी, क्योंकि फोटो कलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो के बाद आपको ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि क्या कोई कोर्ट या महाविद्यालय द्वारा आवेदक के खिलाफ अनुशासनहीनता, कदाचार, रैंकिंग, अनुचित व्यवहार या आपराधिक गतिविधि के लिए कोई कार्यवाही की गई है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिंपली नो चूज करेंगे। आवेदक के खिलाफ कोर्ट या पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज है तो दर्ज है तो यस करेंगे, नहीं दर्ज है तो नो पर क्लिक करोगे और सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए अब हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं और मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने फॉर्म पर फिल किया था 10वीं और 12वीं,
और यहाँ पर मैंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई किया था, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है। अगर आप ओबीसी के हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, साथ ही साथ आपको आय कर प्रमाण पत्र जो होता है उसे भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस तरह से आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है इसलिए मुझे 3 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट मैं जब तक अपलोड नहीं करूंगा तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरी चीजें फिल करने ली हैं। जैसे आप फोटो और ये तीनों चीजें अपलोड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी की 125 केबी में आपको अपलोड करना है, वो भी 92 डीपीआई से अधिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रिंटर प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके बाद आपको प्रोसीड टू लॉक रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा, जिसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद जो आपका ये फॉर्म था ये कंप्लीट हो जाएगा यूजी के लिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग पीजी एमएससी एमकॉम का फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसका भी आपके लिए अप्लाई फॉर्म भर के लेके आने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।